सब्सक्राइब करें एजुकेशन इन्फो टीवी को और साथ बेल आइकन को ऑल के ऊपर प्रेस करें एजुकेशन से मुतालिक नई वीडियोस देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अब्दुल करीम। एजुकेशन इन्फो टीवी में खुशामदीद। एजुकेशन के हवाले से अब तक की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में ये बताऊंगा कि नेशनल बैंक की तरफ से तमाम सरकारी मुलाजमीन, ख्वाह वो किसी भी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता हो, उनके लिए खुशखबरी है, एक अच्छी गुड न्यूज़ सुनाई है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक कर दें और साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो बात करते हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सरकारी मुलाजमीन के लिए कौन सा खसूसी पैकेज दिया गया, जो कि मैं आप लोगों को डिटेल से बताता हूँ। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ दिया है कि कोई भी सरकारी मुलाजिम जिसने नेशनल बैंक से कर्ज लोन लिया है वो ब्रांच मैनेजर को तहरीरी तौर पर दरख्वास्त कर सकता है कि स्टेट बैंक के खसूसी हुक्म के तहत उनकी तनख्वाह से कटौती नहीं की जाए और बैंक एक साल के लिए उनकी तनख्वाह से लोन अकसात की कटौती नहीं करेगी, यानी एक साल तक पूरी तनख्वाह वसूल कर सकता है। मतलब यह है कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये नोटिफिकेशन इशू किया है जिसमें कहा है कि जिस भी सरकारी मुलाजिम ने लोन लिया हुआ है या कर्ज लिया हुआ है वो अपनी मतलूबा बैंक नेशनल बैंक को एक दरख्वास्त दे सकता है और उस दरख्वास्त में लिखेगा कि मैं एक साल तक अपना लोन अदा नहीं कर सकता, तो एक साल तक नेशनल बैंक उनसे तनख्वाह में से उस लोन की कटौती नहीं करेगी। अब तक की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी से इसे लाइक एंड शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफिज़।